टूंडला एतमादपुर सीमा पर स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आर्टिथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएसटी कुश गुप्ता पधारे। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। छात्रों द्वारा उनके स्वागत के लिए स्वागत गान प्रस्तुत किया। टूंडला एतमादपुर सीमा पर स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आर्टिथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएसटी कुश गुप्ता पधारे। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। छात्रों द्वारा उनके स्वागत के लिए स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के निदेशक फैजान खान तथा प्रधानाचार्य आलोक एडवर्ड द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा विभिन्न क्रियात्मक मॉडल तैयार किए गए, कैंसर के कारण और उपाय, सौरमंडल तथा अंग्रेजी के विभिन्न खेल एवं अंताक्षरी पर आधारित मॉडल बनाए, गणित के जटिल नियमों पर आधारित विभिन्न प्रकार के पुल तथा हिंदी व्याकरण को सरल ढंग से कैसे समझा और सीखा जाए, ये छात्रों ने अपने मॉडल से समझाया। ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी बच्चों की और काफ़ी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं और बच्चों का जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत अच्छा है। ये हमारा फ्यूचर, जो हमारे देश का फ्यूचर है, हमें दिखता है कि हमारा कितना अच्छा फ्यूचर बनाया जा रहा है, कितनी अच्छी स्टडी हम दे रहे हैं इस स्कूल में, जिससे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। क्रिएटिव सोच रखना, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स थे, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, सो मैनी प्रोजेक्ट्स एंड दे आर वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। इनसे बच्चों का काफ़ी अच्छा मुझे एजुकेशन लेवल नज़र आया एंड आई होप कि बच्चे आगे इसी तरीके से प्रोग्रेस करें एंड दे विल रिप्रेजेंट आवर इंडिया इन फ्यूचर। सो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस एंड आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड ऑल द टीचर्स and all the academic institutions of involved in this Delhi World Public School, and I really like to congratulate them and I appreciate their efforts and lastly I will like to thank you them for inviting me. आज हमारे बच्चों ने एक साइंस एग्जीबिशन आयोजित की थी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष में आज हमारे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें बच्चों ने, विभिन्न क्लासेस के बच्चों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया है। बहुत सारे वर्किंग, नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस बच्चे बहुत ही खूबसूरती के साथ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे प्रयास में केवल वही बच्चे आगे आए जो एकेडमिकली क्लास में हमेशा फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आते हैं, वो बच्चे भी जो एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स भी स्कोर करते हैं। मुख्य अतिथि ने छात्रों के इस प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रदर्शनी का आयोजन शिक्षिका नेहा पचौरी की देखरेख में किया गया। इसमें उनके सहयोग के लिए विद्यालय के सभी अध्यापकगण उपस्थित रहे। विद्यालय के तरुण चौहान ने सभी अतिथिगण और अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। Respected principal sir and our respect and our honorable respected chief guest. This is my project based on solar system. Solar system is located in the Milky Way galaxy and our solar system is contain planets, dwarf planet, gas, dust, rock, gas, etc. But first we will talk about the sun. Because sun is the most important part of our solar system and it gives heat and light energy to all the planets and it's almost the size of our... Whether they are simple footbridges, functional toll bridges or complicated drawbridges, we all travel through bridges. Millions of tons of vehicles pass through bridges every day. Have you ever thought that how bridges are made, how they handle this load? What mathematics behind them? Let us understand this concept with the help of this model, which is the combination of 9. Moon News के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट। Moon News के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।